तो मुझे बनना है इनके जैसा, और इनके जैसा बनने के लिए मुझे बनना पड़ेगा पीवीपी गॉड। तो आज की वीडियो में मैं सीखने वाला हूँ पीवीपी स्किल इन 24 आवर्स। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कुछ टिप्स जो कि मैंने यूट्यूब से देखी हैं। तो पीवीपी करने के लिए हमारे पास दो मेन चीज है, स्वॉर्ड और एक्स। अगर तुम किसी बंदे को स्वॉर्ड से हिट करते हो तो उसे मिलेगा 4 हर्ट का डैमेज, और अगर उसे एक्स से मारते हो तो उसे मिलेगा 5 हर्ट का डैमेज। बट अगर तुम उस बंदे को एक्स से दोबारा मारना चाहते हो तो तुम्हें 1.16 सेकंड वेट करना पड़ेगा, और अगर स्वॉर्ड से दोबारा मारना चाहते हो तो 0.63 सेकंड बात करना पड़ेगा। तो इस तरह से तुम लोग स्वॉर्ड का यूज करके लगातार अटैक कर सकते हो, लेकिन एक्स से हिट करने के लिए तुम्हें ज्यादा वेट करना पड़ेगा और तब तक तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अगर एनिमी के पास शील्ड है तो तुम पहले एक्स का यूज कर सकते हो जिससे कि उसकी शील्ड हट जाएगी, और उसके बाद स्वॉर्ड का यूज करके धनाधन अटैक कर दो। अब हमने पीवीपी के लिए दोनों चीजों को चूज कर लिया है, और अब बारी इसका थोड़ा प्रैक्टिकल करने की। लेकिन उससे भी पहले हमें जाना है सेटिंग में, वहाँ पर ब्राइटनेस को फुल कर देना है और एफएवी को 90 कर देना है। 90 नहीं करना चाहते तो 80 या 90 के बीच में ही रखना, और वीडियो को पॉज करके ये सारी सेटिंग भी कर लेना। और अगर तुम्हारे पास माइनक्राफ्ट का 1.21.41 वर्जन है तो तुम कस्टम एचयूडी कर सकते हो। उसके लिए हमें यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पूरा कस्टम करने का ऑप्शन आ चुका है। तुम यहाँ पर साइज बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, और ओपेसिटी घटा बढ़ा सकते हो, और मैंने अपने हिसाब से कुछ इस तरह का कर लिया है। वेल, अब हमें एक फ्लैट वर्ल्ड क्रिएट करना है, और प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले हमें लगाना है 2 ब्लॉक कुछ इस तरह से, और खाली है तुम्हें इस पर नॉन स्टॉप अटैक करना है। और इस वाले टच कंट्रोल में स्वॉर्ड का कूल डाउन भी नहीं है जिससे कि तुम नॉन स्टॉप अटैक कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पर अंगूठे से इसे स्क्रॉल करना है, और दाएं हाथ के अंगूठे से यहाँ पर इस तरह से करना है, मतलब कि स्क्रीन मूव होती रहेगी। साथ ही में आप लोगों को अटैक भी करना है स्वॉर्ड पर क्लिक करके, और यहाँ पर जो स्प्रिंट वाला बटन है इस पर क्लिक कर देना जिससे कि तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी। अब हमारे प्लेयर पर फोकस करने की प्रैक्टिस हो गई। नाउ अब हम देखते हैं क्या ये प्रैक्टिस वर्थ इट थी या नहीं, और इसके लिए हमें जाना पड़ेगा एक पीवीपी सर्वर में, जिसके लिए मैं चला गया नेदर गेम्स में। वहाँ पर मैं गया सोलो पीवीपी में, और वहाँ पर मैंने सुमो को सिलेक्ट कर लिया। सुमो एक ऐसी चीज जहाँ पर तुम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हो गए, वहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को गिराएगा नीचे, जो नीचे गिरा वो हार गया। नाउ लेट्स सी कैन आई डू इट। यहाँ पर इस मैच की टाइमिंग थी 5 मिनट, जहाँ पर ना मैं गिरा और ना ही मेरा एनिमी गिरा, इसीलिए मैं चला गया दूसरा मैच ज्वाइन करने के लिए। लेट्स गो बेबी। हमारे यहाँ पर सुमो की प्रैक्टिस हो चुकी है, यानी कि किसी बंदे पर हम लोग नॉन स्टॉप अटैक कर सकते हैं। वेल, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रिट्स एंड चैन क्रिट्स के बारे में, जो कि पीवीपी का बेसिक पार्ट है। क्रिट एक ऐसी चीज जहाँ पर तुम्हें दूसरे बंदे को जंप करते हुए मारना है, और अगर एनिमी के अंदर से पार्टिकल्स निकल रहे हैं यानी कि तुम क्रिट पीवीपी कर रहे हो। और दूसरा है क्रिट चैन, और क्रिट चैन भी 2 तरह का है। पहली है साइड क्रिट चैन, जिसमें तुम्हें लेफ्ट राइट जंप करना है और उस पर अटैक करना है जिससे कि एनिमी तुम्हारे ऊपर अटैक करने के लिए कंफ्यूज हो जाएगा। सेकंड है राउंड क्रिट चैन, इस मेथड में तुम्हें एनिमी के चारों ओर घूमना है और उस पर जंप करते हुए अटैक करना है जिससे कि वो किसी भी में तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। वेल, अगली मेन चीज है तुम्हारी किट, यानी कि जो तुम्हारी ये मेन 9 स्लॉट है इसमें काम की चीज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर तुम एक टोटम रख सकते हो, स्वॉर्ड रख सकते हो, एक्स रख सकते हो। इसके अलावा एक स्लॉट में खाने का सामान, एक बकेट जिसमें पानी हो, और एक फ्लिंट एंड स्टील, और साथ में कॉवेब और वो रखना लाजमी है, लेकिन वो पर इन्फिनिटी वाले एंचेंटमेंट लगी होनी चाहिए। अब तुम पीवीपी करने के लिए एकदम रेडी हो। अब अगर तुम्हारा एनिमी तुम्हारे पास आना चाहता है तो तुम वहाँ पर फ्लिंट एंड स्टील से आग लगा सकते हो, और जब तक उजल रहा है तुम लोग अपने बो से अटैक कर दो। और जो नया वाला टच कंट्रोल है वहाँ पर तुम बो से नॉन स्टॉप अटैक कर सकते हो, और इसका यूज करके मैंने बहुत ढेर सारे मैचेस जीते भी हैं, जो कि ये रहा। Don't you dare say that I want it. I want it. Everything to fall apart when it's hard to me. Cause my only crime was hoping. वही ये सब होता जो कि मैंने YouTube से देखा था। और अभी फिलहाल पीवीपी में मैं एकदम नूब हूँ, क्योंकि आज तक मॉब्स के अलावा मैंने एक भी जिंदा प्लेयर्स को नहीं मारा है। इसीलिए अब हम लोग चलते हैं मैदान में। तो सुमो तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, जिसमें मैं लगभग प्रो हो चुका हूँ। और अब बारी है स्वॉर्ड पीवीपी की, लेकिन इस सर्वर में ज्यादातर जावा प्लेयर्स आते हैं जो कि सीपीएस को यूज करके नॉन स्टॉप अटैक करते हैं। और कुछ कुछ जगहों पर वे लोग इस तरह से हिट करते हैं कि मैं हवाओं में चला जाता हूं और कुछ भी नहीं कर पाता, और बिना रुके वे लोग एक बार में ही मार देते हैं। शुरुआत में मुझे लगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं चला गया ऐसे सर्वर की खोज में जहां पर एमसीपी प्लेयर हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई भी सर्वर नहीं मिला, इसलिए मैं दोबारा से चला गया नेदर गेम्स में। बट ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी हुई, क्योंकि जो मुझे लगता था कि ये फोन में नहीं हो सकता वो खुद मैंने फोन से ही कर दिया, जिसका नजारा ये रहा। Don't you dare say that I want it.
एल्बम में मेरा एम बहुत बेकार था, इसीलिए मैंने सोचा बॉस अभी पीवीपी कर ली जाए। और ये रही उसकी कुछ क्लिप्स। तो अभी ये मैं नहीं कह सकता कि मैं हर चीज में पूरा हो चुका हूँ, लेकिन लगभग इतना ढंग हो चुका कि किसी भी बंदे से निपट सकता हूँ। दरअसल मैंने चिल्ड्रंस डे के दिन 5 बजे एक पीवीपी मैच रखा, जिन्हें डिस्कॉर्ड पर आना था। वहाँ पर बहुत सारे लोग आए और सभी को मैंने अपने वर्ल्ड में इन्वाइट किया, जहाँ पर हम सारे 1v1 करेंगे। तो ये रहा एक छोटा सा पीवीपी अरेना जहाँ पर हम पीवीपी करेंगे। नाउ लेट्स गो बेबी। यहाँ पर कुछ बंदे मेरे गेम में ज्वाइन हो चुके थे, और जब मैं भी गेम में था तो डिस्कॉर्ड पर बंदे मैसेज करने लगे थे जिन्हें मुझसे पीवीपी करना था। पर अनफॉर्चुनेटली मैं गेम कट करके वहाँ पर जा नहीं सकता था, इसीलिए वे लोग मिस हो गए। लेकिन डोंट वरी, ऐसे ही हम लोग कुछ कुछ दिन बाद वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें आप लोग भी शामिल हो गए। इसीलिए डिस्क्रिप्शन से डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लो, और आई नो कि इस चैनल पर नए हो तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर एकदम भयंकर वाला कंटेंट आने वाला है। बाय द वे, मैं चला नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।